तो दोस्तों वेलकम हो गया। दोस्तों जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे एक जो पाई कम्युनिटी है उनको टैग करके यहाँ पे कुछ पाई नेटवर्क के बारे में यानी कि कुछ कहा गया है। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं एंड उन्होंने क्या कहा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपने पाई नेटवर्क को यानी कि पाई ब्लॉकचेन को सही तरह से लोगों को नहीं समझाया है और इन्होंने चार जो ब्लॉकचेन है उनके यहाँ पे नाम भी लिए हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं दोस्तों कौन कौन से वो ब्लॉकचेन है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो नंबर एक पे आता है सार्वजनिक ब्लॉकचेन और नंबर दो पे आ जाता है अपना जो निजी ब्लॉकचेन है जो उन्होंने कहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके सामने है। और नंबर तीन पे आ जाता है आपका हाइब्रिड ब्लॉकचेन और नंबर चार पे आ जाता है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे इन्होंने चारों का नाम मेंशन किया है और नीचे इन्होंने कहा है नॉट ऑल ऑल ब्लॉकचेन इज़ द डिसेंट्रलाइज पाई द ब्लॉकचेन इज़ नॉट डिसेंट्रलाइज येट। तो इन्होंने कहा है कि पाई नेटवर्क भी अभी डिसेंट्रलाइज नहीं है और आपने शायद लोगों को गलत समझाया है। तो दोस्तों पाई जो कम्युनिटी है, जो पाई कोर टीम है, उसने यहाँ पे इनका जवाब देते हुए बहुत ही अच्छे शब्दों में इनको बताया है कि आप सीधे शब्दों में कहिए डिसेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं है। पाई ब्लॉकचेन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में लेन देन पाई में स्टोर करता है। पाई से एक लेन देन यानी कि पाई को टीम यानी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य यानी कि पाई का कोई अंतर्राष्ट्रीय अभी मूल्य यानी फिक्स नहीं हुआ है, ना ही वो किसी का अपना है। तो दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का मतलब है कि एक मूल्य अभी फिक्स नहीं है उसका, तो यानी कि उसका जो मूल्य है अभी और भी बढ़ोतरी करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे यही जो पाई कोर टीम है उन्होंने कहा है पाई लेन देन में एक पाई बरोबर एक पाई होता है और इसका कुछ भी नहीं है, अभी ये डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है, बहुत जल्द होने वाला भी है। तो दोस्तों पाई कोर टीम तो बहुत ही अच्छा जवाब यहाँ पर उनका निकल के सामने आता है दोस्तों। तो आप कैसे इसको देखते हो? तो दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके साथ आएंगे यानी कि फिर आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।